हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक अवेलेबल होती रहती है। आज के सेशन में बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 सितंबर 5:05 तक आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है, जिसमें इन सभी हैशटैग को आपको ट्रेंड करना है, ट्वीट करना है, ठीक है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको डेली याद दिलाता रहूँगा जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है। जब तक छात्रों को यहाँ पर सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक मेरा सपोर्ट छात्रों के लिए हमेशा बना रहेगा। तो प्लीज़ याद रखिए 5 सितंबर 5 PM 5 मिनट। तो आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है इंश्योरर्स सी टर्न अराउंड इन PMFEY from 2021। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी इंश्योरर हैं वो यहाँ पर बदलाव देखना चाहते हैं। जब ये स्कीम 2021 में आएगी तो यहाँ पर उनका उद्देश्य है कि इस स्कीम में कुछ नए नए इनोवेशन हो और इस टाइप के डिस्काउंट लाए जाएं जो किसान के लिए हेल्पफुल हो, जिससे सरकार का और जितने भी इंश्योरर हैं उनका भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जानेंगे क्या क्या चेंजेस करने की बात की गई है यहाँ पर और कैसे कैसे स्टेप लिए जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लोगों का जो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उस इंटरेस्ट को दोबारा से जगाया जाएगा। तो देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में सारी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, ई फाउंडेशन स्टोन लेट फॉर नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ई फाउंडेशन हुआ है अभी, जहाँ पे नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जाएगी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो जानेंगे ये हुआ है आपका बेंगलुरु में, तो देखते हैं इसका क्या उद्देश्य है, सरकार क्या करना चाहती है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, एक्सपर्ट्स स्ट्रेसेस नीड फॉर वैल्यू एडिशन इन जैकफ्रूट। तो जैकफ्रूट में वैल्यू एडिशन के लिए जो एक्सपर्ट हैं, स्पेसिफिकली जो जैकफ्रूट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है जैकफ्रूट में, अदरवाइज जो जैकफ्रूट फार्मर्स ग्रो करते हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर क्रॉप है जो हमारे भारत में होती है। लेकिन इसको क्रॉप बोलो या फिर आप ट्री बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको अगर यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिला है तो जैकफ्रूट की खेती करना या उसकी शोइंग करना ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर जोर दिया गया है रिगार्डिंग जैकफ्रूट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो इंश्योरर्स सी टर्न अराउंड इन PMFEY फ्रॉम 2021। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंटरेस्ट जगाने के लिए जितने भी इंश्योरर्स हैं उनकी कोशिश है कि कुछ चेंजेस किए जाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। अभी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है इंश्योरेंस कंपनीज आर होपफुल टू अ टर्न अराउंड इन द गवर्नमेंट फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको PMFEY के नाम से हम लोग जानते हैं, विद न्यू गाइडलाइंस एंड यूज ऑफ इनोवेटिव मेजर्स। तो यहाँ पे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको आशा है कि जब ये साल चेंज होगी 2021 आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, जो प्रमुख स्कीम है इंश्योरेंस की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके लिए नई गाइडलाइंस लेके आएगी और कुछ ऐसे इनोवेटिव मेजर्स यूज़ करेगी जिसकी हेल्प से इस स्कीम को इंटरेस्टफुल बनाया जाएगा और फार्मर्स का जो बिलीव है उसको यहाँ पर दोबारा से हासिल करने की बात की गई है, जो कि एक इनिशिएटिव है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या चेंजेस लाएगी आने वाले ईयर में। आगे यहाँ पे बोला गया है दे ऑल्सो एक्सपेक्ट मोर स्टेट एज वेल एज इंश्योरर्स टू पार्टिसिपेट फ्रॉम न्यू ईयर। तो यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट इस स्कीम का हिस्सा बने,
जितने फार्मर्स हैं इस स्कीम के थ्रू अपने आप को एनरोल करें, और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि और जितने भी इंश्योरर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट ईयर से, ये यहाँ पे बात की गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि इंटरेस्ट कम हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लोगों का, तो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर उन स्टेट्स ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सस्पेंड कर दिया है, वहाँ से एग्जिट ले लिया है। तो जिसमें आपकी पहली स्टेट है तेलंगाना, फिर है आपका झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, ठीक है, फिर पंजाब, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र, ये ऐसे स्टेट हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं कि इस स्कीम का हिस्सा बना जाए या फिर ना बना जाए। मतलब अभी ये कन्फ्यूज़न में हैं और ये विचार कर रहे हैं कि राजस्थान और जो महाराष्ट्र हैं ये इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इतना आपको ये पता हो गया कि कौन कौन सी स्टेट हैं जो एग्जिट कर चुकी हैं और आगे एग्जिट करने का प्लान कर रही हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, जो कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये जो स्कीम है 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि ये कब लॉन्च हुई, तो 18 फरवरी 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई, ठीक है। इसके तहत 3 प्रीमियम पे करने पड़ते हैं अगर फार्मर अपनी क्रॉप को इंश्योर कराना चाहता है, तो वहाँ पर 3 टाइप्स के प्रीमियम है, डिपेंड करता है आपकी क्रॉप कैसी है। रबी क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो रबी क्रॉप के लिए यहाँ पे है 1.5%, ठीक है, 1.5%। अगर हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप का तो खरीफ क्रॉप का आपको पता होगा 2% है। अगर हम बात करेंगे एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप का तो यहाँ पर कितना है 5%। तो ये आपके प्रीमियम रेट हैं जो कि काफ़ी हाई रेट हैं, जिसके कारण फार्मर्स का इंटरेस्ट नहीं था इस बार, क्योंकि फार्मर्स कोविड-19 पेंडेमिक के कारण बहुत परेशान हैं, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण फार्मर्स ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम इस स्कीम में, इस योजना में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। आगे जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम इंस्टेंस द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AIC हैज़ बीन वर्किंग विद स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड इज़ यूजिंग द कपिंग एंड कैपिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो AIC है वो वर्क कर रही है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ, और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से लास्ट ईयर में, ठीक है, और AIC हैज़ ऑल्सो यूज्ड इन मध्य प्रदेश एंड कन्विंस द स्टेट टू रिमेन इन द स्टेट। तो यहाँ पे AIC की काफ़ी अच्छी कोशिश रही है पहले भी और अभी भी, वो स्टेट को कन्विंस करती है कि आप इस स्कीम में भाग लीजिए, जितने भी आपके फार्मर्स हैं उनको भी आप अवेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स उस स्कीम में भाग लें। आगे यहाँ पे बोला गया द ऑब्जेक्टिव इज टू, इस सब को करने का जितना भी AIC इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है, पहले भी लिया है आगे भी ले रही है, इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंफर्ट टू स्टेट, तो स्टेट्स को कंफर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। आगे है एनकरेज देम टू कंटिन्यू विद द स्कीम, और उन स्टेट को एनकरेज करना कि इन स्कीम्स को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है, फार्मर्स को कंटिन्यू उसका बेनिफिट प्रोवाइड कराइए, ये भी उद्देश्य होता है। और यहाँ पर बोला गया है, ये बोला गया है कि सेट अ पर्सन फेमिलियर विद द डेवलपमेंट, तो इतनी चीज़ों पर काम किया जा रहा है, और यहाँ पर उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रीजनेबल बनाया जाए और कंफर्टेबल बनाया जाए ताकि हर किसान और हर स्टेट इस स्कीम को अप्लाई करे अपने अपने फार्मर्स के लिए, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है विद अ एवरी ईयर टेकिंग खरीफ एंड रबी टुगेदर द प्रीमियम विल बी सेट एट एन एक्चुरियल, ठीक है, एक्चुरियल रेट विद सम डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो आपका बीमांकित दर है वो भी कुछ डिस्काउंट के साथ आनी चाहिए, जो कि खरीफ और रबी क्रॉप दोनों के लिए बात की गई है। तो मेन उद्देश्य यहाँ पे अगर हम निकालें जनरल में, तो यही उद्देश्य है, जितनी भी इंश्योरर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो चाहती हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्काउंट लाए जाएँ, प्रीमियम रेट को, जो आपका प्रीमियम रेट है उसको कम किया जाए और किसान की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है वी विल वर्किंग ऑन हाई प्रीमियम इम्प्रूव रेट्स एंड फार्मर्स रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिन पर काम करना पड़ेगा। जैसे प्रीमियम बहुत हाई है, अभी भी अगर हम बात करेंगे तो जो PMFBY का प्रीमियम है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, रेट्स को इम्प्रूव करना है और फार्मर की रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर इस स्कीम को, ठीक है, सीजन वाइज ना करके क्रॉप वाइज कर दिया जाए
तो हो सकता है इंटरेस्ट जगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि ये नेगेटिव में जाए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसको क्रॉप के वाइज कर देंगे, क्रॉप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंश्योरेंस सेट कर दें, तो हो सकता है फार्मर्स का इंटरेस्ट जगे, क्योंकि कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनमें लॉसेस काफ़ी कम होते हैं और उस टाइम का जो सीजन है वहाँ पर नेचुरल हजार्ड आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन बेसिस पे भी अगर गवर्नमेंट वर्क करे तो हो सकता है कि फार्मर्स का जो प्रॉफिट है, सॉरी जो इंटरेस्ट है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना, और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उस टारगेट को अचीव कराना। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। ई फाउंडेशन स्टोन लेट फॉर नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु। तो यहाँ पर ई फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो कि नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पूरी तरीके से डिजिटली हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ई फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ द न्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग फॉर नेशनल एकेडमी ऑफ रुड़सेटी NAR वाज हेल्ड यस्टरडे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे कल के दिन, ठीक है, कल के दिन की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक ई फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी हुई थी, जहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ रुड़सेटी, जिसको NAR बोलते हैं, NAR के लिए एक नई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर रुड़सेटी को आपको क्लियर कर दूं मैं क्या होता है। वैसे तो उसको रुड़सेटी का जो पूरा नाम है वो भी जान लेते हैं क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको हम रुड़सेटी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रुड़सेटी है क्या है, तो रुड़सेटी इज अ इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी आपके RCT हैं, मतलब है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनको यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और कैपेसिटी बिल्डिंग की तरह काम करती है। इतना आपको पता रखना है। ओवरऑल इनका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि रूरल में, ठीक है, रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, ये उद्देश्य होता है रुड़सेटी का। तो यहाँ पे ये हुआ है यस्टरडे, ठीक है, एक अनावरण हुआ है एक बिल्डिंग का, जो किसके लिए बनाई गई है, नेशनल एकेडमी ऑफ रुड़सेटी। इतना आपको याद रखना है। द NAR अंडरटेक मॉनिटरिंग मेंटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टाफ स्टेट एंड UT रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टाफ एंड दी कंसर्न बैंक ऑफिशियल ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बिहाफ पे जो NAR है, नेशनल अकेडमी ऑफ रुड़सेटी है, वो यहाँ पर मॉनिटर करेगी, मेंटर करेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। किसके लिए? यहाँ पर 3 स्टाफ के लिए, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्टाफ के लिए, स्टेट यूनियन टेरिटरी रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टाफ के लिए और कंसर्न बैंक ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि इन चीज़ों को मैनेज जो करेगी वो आपकी NAR करेगी। आगे बोला गया है कि श्री नागेंद्र नाथ सेना, जो कि सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला है कि जो RCT है ये एक यूनिक इनिशिएटिव है। ठीक है, RCT मैंने आपको क्या बताया था, RCT का मतलब है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ये आपकी यूनिक इनिशिएटिव है और स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने और कमर्शियल बैंक ने यहाँ पे साथ में काम करने की बात कही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल जो वर्क हो रहा है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में हो रहा है और यहाँ पे जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक हैं, उन्होंने यहाँ पर इश्यू उठाया है रूरल पॉवर्टी का। तो रूरल क्षेत्र में जितनी भी गरीबी है उसको मिटाने के लिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई है। ठीक है, तो रूरल क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए ही ये ई फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जो कि एक नई बिल्डिंग का अनावरण किया गया है, जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये उद्देश्य होगा कि रूरल क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर बढ़ावा दिया जाए। आगे बोला गया, एट प्रेजेंट दीज ट्रेनिंग आर कंडक्टेड इन रेंटेड प्रीमिसेस इन बेंगलुरु और डिफरेंट प्रीमिसेस इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे बात हो रही है अभी तक, वर्तमान तक की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती थी रेंटल प्रीमिसेस में, मतलब किराए के मकानों में, घरों में। ठीक है,
ये आपकी जो ट्रेनिंग थी वो कराई जाती थी बेंगलुरु में, और उसके साथ साथ जितने भी स्टेट में ये आपका ट्रेनिंग वर्क करता है, ठीक है, रोड सेफ्टी काम करती है, वो अपने रेंट के फॉर्म में रेंट पर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी। लेकिन अब बेंगलुरु में इस बिल्डिंग का अनावरण हो गया है, तो अब इजीली यहाँ पे लोग जा सकेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पा सकेंगे, ठीक है, इतना यहाँ पे बात की गई है। और उसका ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। इतना आपको पता रखना है जो कि जनरल चीजें हैं, इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, एक्सपर्ट्स स्ट्रेसेस नीड फॉर वैल्यू एडिशन टू जैकफ्रूट। तो जैकफ्रूट में वैल्यू एडिशन करने के लिए यहां पे जोर दिया गया है जो कि जैकफ्रूट एक्सपर्ट्स ने दिया है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहां पर है श्री पादरे एन एक्सपर्ट ऑन जैकफ्रूट, तो जो कि जैकफ्रूट के एक्सपर्ट हैं श्री पादरे, उन्होंने यहाँ पर जोर दिया है और यहाँ पर बोला है द नीड टू गिव थ्रस्ट टू वैल्यू एडिशन ऑफ द फ्रूट एज इट कुड हेल्प इम्प्रूव अर्निंग ऑफ स्टेक होल्डर्स इन दिस सेक्टर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वैल्यू एडिशन किया जाए इस फ्रूट का, इस जैकफ्रूट का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो स्टेक होल्डर्स की, फार्मर्स की, ये यहाँ पे बात की गई है। उन्होंने एक वेबिनार किया था, उस वेबिनार में उन्होंने बोला था, जिसका वेबिनार का टाइटल क्या था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वेबिनार का टाइटल था वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग इन जैकफ्रूट, ठीक है, वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग इन जैकफ्रूट, जो कि ऑर्गेनाइज किया था हॉर्टिकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU ऑन वेडनेसडे। तो ये जो वेडनेसडे को हुआ है, जहाँ पे एक ऑनलाइन वेबिनार लॉन्च किया गया था जिसका टाइटल था वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग इन जैकफ्रूट, ये ऑर्गेनाइज किया था हॉर्टिकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट TNAU ने, ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। आगे बोलेंगे तो पादरे सेड दैट जैकफ्रूट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड क्रॉप इन द कंट्री। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसी क्रॉप बन गई है जो आपका जैकफ्रूट है, जिसको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी महत्व को खत्म करते जा रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर श्री पादरे जी ने एक जोर दिया है, स्ट्रेस किया है इस इंपॉर्टेंट मैटर पे, जहां पर बोला गया है कि वैल्यू एडिशन किया जाए जैक फ्रूट क्रॉप के साथ, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे यहां पे बोला गया है, थोड़ा सा और जान लेते हैं, एन कुमार वाइस चांसलर ऑफ TNAU एंड यहाँ पे LP डीन, जो कि आपके डीन है हॉर्टिकल्चर के, और यहाँ पे TNU के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जितने भी आपके बोल सकते हो जो स्कॉलर्स थे, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे इस इंपॉर्टेंट ओकेजन पे। रेफरिंग टू अ सर्वे मेड इन मेघालय बाई अ IAS ऑफिसर विजय मंत्री। तो एक विजय मंत्री हैं मेघालय के, उन्होंने एक सर्वे किया है, उन्होंने यहाँ बोला ही सेड दैट द सर्वे एस्टिमेटेड वेस्टेज ऑफ जैकफ्रूट वर्थ मोर देन 350 करोड़ अ ईयर इन दैट स्टेट अलोन। तो अकेले मेघालय स्टेट में एक साल में 350 करोड़ सालाना का जो जैकफ्रूट है वो वेस्टेज हो जाता है। कारण क्या है? प्रोसेसिंग की कमी है, प्रिजर्वेशन की कमी है और वैल्यू एडिशन की कमी है। अगर इन चीज़ों पे काम किया जाए, वर्क किया जाए, तो हो सकता है जितने भी जैकफ्रूट को लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैकफ्रूट का ट्री होता है, पेड़ होता है, वहाँ पर बहुत अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जैकफ्रूट देखने को मिलते हैं। अब जो फार्मर्स हैं वो उस जैकफ्रूट को मार्केट में तभी ले जाएगा जब उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और इसी को जोर देने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए श्री पादरे जी ने यहाँ पे जोर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि इसमें वैल्यू एडिशन किया जाए, और जो कि एक वेबिनार भी हुआ था जिस वेबिनार में उन्होंने ये बात की है। आगे बोला गया है कंसिडरिंग प्रोडक्शन इन दी मेजर जैकफ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट सच एज कर्नाटका एंड केरला इन टू अकाउंट एज वेल। तो यहाँ पे जो कर्नाटका और केरला हैं वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं जैकफ्रूट का, और यहाँ पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। ही सेड दैट द क्रॉप वर्थ अराउंड 3,500 करोड़ आर बीइंग वेस्टेड एवरी ईयर इन द कंट्री। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हर साल, ठीक है, कंट्री में लगभग 3,500 करोड़ का जो जैकफ्रूट है वो वेस्ट हो जाता है, जो लोगों तक पहुंच सकता है, उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, फूड अवेलेबिलिटी का हिस्सा बन सकता है, जो जैकफ्रूट वेस्ट हो जा रहा है। उस वेस्टेज को कम करने के लिए ही पादरे जी ने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कही और जोर दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि इस मैटर पे थोड़ा ध्यान दें और यहाँ पे वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग कराई जाए जैकफ्रूट की।
इतना आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, और वीडियो का जो टारगेट है आज का 200 लाइक्स का, उसको आप आज अचीव कराइए। ये फुलफिल होगा आपकी सपोर्ट के कारण ही, तो जल्दी से सपोर्ट करिए और एक लाइक तो बनता है आज की वीडियो पे। उसके बाद आगे चलेंगे और जानेंगे आज का क्वेश्चन। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच कंट्री ईट्स द मोस्ट एग्स पर कैपिटा, आंसर है चाइना। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। अब बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पर बात है NIAM किस शहर में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर टाइप कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पर, हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।